तो हाय गाइस, कैसे वेलकम बैक टू अनदर पंपिंग सिमुलेटर 2 गेम प्ले वीडियो। तो पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि अपन ने अपना गैस स्टेशन को लगभग रिनोवेट तो कर दिया था, और अभी देखो भाई कोई आया तो पहले मैं एक बार के लिए फ्यूल डाल देता हूँ। और ये बंदा मेरे को देखा देखा लगता है, अबे अबे हेलो, ये मेरे को देखा देखा लगता है। एनीवे, तो गाइस पिछले वाले एपिसोड में अपन ने अपने पेट्रोल पंप को लगभग शुरू कर दिया था, चार्जिंग स्टेशन भी लगा दिया था, और अभी देखो भाई अपने पास वर्कर काफ़ी कम है। मतलब अभी अपना वर्कर काम कर रहा बट काफ़ी स्लो स्पीड से काम कर रहा, तो प्रॉब्लम तो है। एंड एनीवे, कचरा फिर से किसने फैला दिया भाई, पहले कचरे को साफ करो। और गाइस आज के एपिसोड में अपन इसी पेट्रोल पंप को बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। मतलब पहले मैं आपको संडास दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो आज अपन इसी पेट्रोल पंप को पूरा 5 स्टार बनाने वाले हैं, छोटी सी शॉप भी ओपन करें, काफ़ी सारे आज अपन को काम करना। और एक वो बंदा बोला भाई, ओह अच्छा, तो वो अपने एम्प्लॉय है, ये कार वाश करता, तो अपने पास कितने एम्प्लॉय है, 3 एम्प्लॉय, एक पेट्रोल डालने वाला, दूसरा कार वाश करने वाला, और तीसरा कैशियर जो कि अपने पिछले वाले एपिसोड में हायर करी थी, वो $270 इसके पास हुए थे भाई, पैसा बहुत अपने पास। तो भाई आज का गेम प्ले वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड ये देखो अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है, तो इससे एक प्रॉब्लम हो रही है। और अभी देखो कोई कस्टमर आएगा ना तो ये सैड सा मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है और ये रूम के अंदर दम घुटता भाई। तो पहले मैं इसको सामान दे देता हूँ, एक बार देख तो क्या, अगर मैं सामान इसको देता हूँ तो रेटिंग अच्छी देगी क्या ये? तो ऐसा कुछ नहीं होता आई थिंक। ओके, पेमेंट करो आप और सामान ले जाओ। वेल गाइस, इसने पेमेंट करा और ये एनर्जी ड्रिंक ले चुकी है, तो इससे कुछ नहीं होता भाई। सबसे पहले अपन को ना इस गैस स्टेशन को बहुत बड़ा और अच्छा बनाना है, और इसके लिए चाहिए पैसा, तो मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं भाई कैसे करें। तो सबसे पहले अपन चलते हैं लोन ले ले। तो यहाँ पे पंप बैंक है जिससे मैंने ऑलरेडी लोन ले रखा है, 830 रुपये मेरे को देने भी है। तो ग्रेट बैंक जो कि अपन को 20% इंटरेस्ट रेट पर पैसे देगा, जो कि मैंने अप्लाई भी कर दिया, $2000 का, $2000 बहुत होते हैं, तो इतने पैसों का अपन को अगर लोन मिले तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यार एम्प्लॉय भी अपन रख लेंगे, और पहले मैं इसको अपग्रेड करता हूँ जो कि $600 में होने वाला, भाई पैसे नहीं है यार। एनीवे, तो यार एम्प्लॉय भी यार खाली बैठे हुए काम कर नहीं रहे, कस्टमर आ ही नहीं रहे, और बस शॉपिंग हो रही है अपने गैस स्टेशन में, कुछ नहीं हो रहा। तो अपन किस तरीके से बिजनेस को रन करें कोई आइडिया नहीं है। वेल गाइस, लोन पास हो चुका भाई, $2000 का लोन अपन ने पास कर दिया। ग्रेट बैंक का मैसेज भी आ चुका है, यू अप्लाई है। तो अभी अपन सबसे पहले क्या करें, मतलब अभी अपन पैसे को खर्चे कहाँ पर वो मेरे को नहीं पता। तो आई थिंक सबसे पहले अपन को इसको अपग्रेड करना चाहिए $600 के अंदर। तो वेल गाइज, अपन इसको अपग्रेड कर दिया $600 के अंदर, तो अभी अपन 4 गाड़ियों में एक साथ तेल डाल सकते हैं। मतलब अभी अपने पास 4 पंप हो चुके हैं, तो 2 पंप अपन को और परचेज करने पड़ेंगे। बट पहले $800 में इस घर को भी अपग्रेड कर देता हूँ। ओ भाई साहब, क्या गजब बन चुका है यार, अभी लग रहा है अपना गैस स्टेशन काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो एक दुकान इधर हो चुकी है, जहाँ पर अभी यार शॉपिंग करने के लिए अपने पास 2 ही चीज़ें हैं। लोग आते हैं, गुड मॉर्निंग ब्रो, और यहाँ पर कार वॉश हो रही है। तो अभी भाई $1112 बचे, लोन की पेमेंट भी अपन को करनी है। तो पहले चलता हूँ अपन फ्यूल ऑर्डर कर देते हैं, लेट्स गो। मैंने फ्यूल ऑर्डर कर दिया, और यहाँ पर वर्कर की स्पीड को बढ़ा देता हूँ, लेट्स गो, $100 लगेगा। और कस्टमर भी भाई इंक्रीज कर देता हूँ, व्हीकल को इंक्रीज कर देता हूँ, कस्टमर शॉपिंग करने वाले को भी इंक्रीज कर देता हूँ $200 के अंदर, और एम्प्लॉय भी अच्छे कर देता हूँ, $200 और लगेंगे। भाई साहब प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अपन ने क्वालिटी को इंक्रीज करा, तो भाई वॉश का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करो यार, फ्यूल का मैंने कर रखा है, और इलेक्ट्रिक का भी थोड़ा सा इंक्रीज करो। वेल थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, बट आई थिंक इससे कुछ होगा नहीं। और ये भाई साहब आ चुका है, तो अपने पेट्रोल पंप पर फ्यूल भी आ चुका है जो कि पहले कम था। एंड केसर के पास $410 कलेक्ट हुए भाई, शॉपिंग काफ़ी अच्छी कर रहे हैं लोग। एंड वहाँ पर भाई टायर पंचर का काम मेरे को करना पड़ता, कार वॉश के लिए अपने बंदे हायर कर रखे हैं, चार्जिंग स्टेशन और फ्यूल भरने के लिए भी अपने बंदे हायर कर रखे हैं, बट टायर पंचर का काम मेरे को करना पड़ता। तो कोई ना, ये काफ़ी इजी काम है भाई, और मेरे को आई थिंक $50 मिलते हैं एक टायर रिपेयर करने के, देखता हूँ कितने मिलेंगे। तो ये हो चुका है, लो जी पैसे दो और निकलो यहाँ से, अभी तक पैसे बंदे ने दिए नहीं, $712 और लेट्स गो, पैसे मिल चुके अच्छे खासे, अच्छी बात है। और अभी अपन क्या करते हैं, तो सेल्फ यहाँ पर कुछ ऑर्डर कर देते हैं भाई, पैसे खर्चने पड़ेंगे अपन को असली जगह जहाँ से अपन और पैसे कमा सकते हैं। तो $400 का एक तो पेट्रोल पंप गैस स्टेशन बोल सकते हो, और यहाँ पर मैं काफ़ी सारे सामान ऑर्डर कर लेता हूँ, जैसे चॉकलेट हो गया, चिप्स हो गया, और सोडा हो गया, एंड कोला हो गया, मिल्क हो गया, सिगरेट हो गया, क्योंकि अपने पास शॉपिंग वाला सामान भी कम है, सारी चीज़ें ऑर्डर कर दो यार। और अभी $660 का बिल बन चुका है, $697 का भाई मैंने कर दिया पेमेंट, और भाई $2000 अपने लग चुके हैं। मतलब तुम देखो अपन ने करा क्या भाई, अभी अपन ने ना $2000 जब अपने पास नहीं थे
तब अपने पास दो गैस पंप है, अपने इसको थोड़ा सा अपग्रेड करा और एक गैस पंप को ऑर्डर करा और एक इसको अपग्रेड करा, बाकी कुछ अपन ने ज़्यादा कुछ नहीं करा, अपन ने $2,000 लगाए। इसका मतलब अपन को उससे अपन को अच्छे खासे पैसे चापने थे, जो कि मैं नहीं चाप रहा जहाँ तक मेरे को लगता है, घाटे से तो चल रहा है यार। और अभी क्या ऑर्डर करूँ मैं यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ ना एक और गैस पंप ऑर्डर कर देते अभी के अभी, और काफ़ी कचरा फैल चुका है यार, एक तो कूड़ेदान नहीं अपने पास, वो मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा, वो काम मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो आ रहे कस्टमर अपन को रेटिंग अच्छी नहीं दे रहे भाई, सफाई नहीं अंदर ना। और ये देखो सैड सा मुँह करके जाया, किस बात का सैड सा मुँह कर गए, और फिर से भाई टायर रिपेयर करने वाला आ चुका है। और गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे तो भाई पहले यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, तुम लोग करते नहीं हो बस वीडियो देख के चले जाते हो। एनीवे तो मैंने इसको भी अपग्रेड कर दिया और अपने पास लेट्स गो $288 से, अब देखते कितना होगा, आई थिंक 50 ऐड कर दो इसके अंदर, और भाई $63 अपन को मिला है क्योंकि अपन इसका प्राइस हाई कर रखा ना। तो अभी मैं काम करता हूँ, कूड़ेदान वाला भी ऑर्डर कर देता हूँ, तो ये रहा ट्रस्टबिन और $115 का, ये ज़रूरी है, अच्छी रेटिंग मिलेगी। और एक चार्जिंग स्टेशन वैसे ऑर्डर करना चाहिए बट वो $800 का है, और एक सफाई करने के लिए अपन को एम्प्लॉय नहीं ऑर्डर करना चाहिए भाई, आगे से पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोन अपन को दो पे करने हैं और भाई पैसे बहुत कम है अपने पास, अपन किस तरीके से इस गैस स्टेशन को बड़ा करेंगे कोई आइडिया नहीं है। वेल गाइज अपना पार्सल आ चुका है, तो इसके अंदर आ चुका अपना गैस पंप जो कि मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, और अपने पास एम्प्लॉय वैसे भी कम है बट मैंने $100 दे के एम्प्लॉय का स्पीड वैसे इंक्रीज करा था, और एक और पार्सल आ चुका, तो इसके अंदर क्या होगा। ओ तो इसके अंदर अपने ये छोटा मोटा सामान है जो कि मैं इधर यहाँ पर लगाने वाला हूँ, वैसे सामान काफ़ी कम बचा हुआ अपने पास, और टायर रिपेयर करने वाला फिर से आ चुका है, एक और पार्सल, और ये देखो किस तरीके से पैक किया भाई, पैक की किस बात का है, और एलोजी ट्रस्टबिन जो कि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। वैल गए थे पहले तीनों टायर रिपेयर कर दिए, और भाई पार्सल वाला पार्सल फेंक के जा रहा है, क्यों नहीं आराम से रख दे। और भाई अभी थोड़ी सी ना एक मिनट रुको, मेरे को कुछ और काम याद है, और भाई शो अंदर कुछ था ही नहीं माल, मतलब कस्टमर खाली जा रहे थे, और अपना कैसे खुद पार्सल लेके गई अच्छी बात है। और मैं ना यहाँ पर मैंने कुछ नोटिस करा कि एक बार पहले तेल देख लेते है कि नहीं, 50% बचा हुआ भाई पैसे होने चाहिए। वेल तो गाइस मैंने रूम की सफाई कर दी, अब भाई अच्छी रेटिंग मिलने वाली है, और एक और पार्सल आ चुका है, तो आई थिंक इसके अंदर सोडा होगा या फिर एनर्जी ड्रिंक होगा। और देखो यहाँ पर भाई सामान काफ़ी जल्दी बिक रहा, मतलब पार्सल आ रहा है मैं लगा रहा हूँ, दूसरा आ रहा है, इतने में सामान बिक गया, मतलब तुम देख लो ना शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा अपनी हो चुकी है अभी, $550 तो मैंने भाई शॉपिंग से कलेक्ट करे, मेरे पास $1,000 आ चुके भाई, मतलब अभी मैं कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ, तो चार्जिंग स्टेशन $850 का है, इसको ले लेता हूँ, क्योंकि अपन को पैसे कमाने हैं, तो जहाँ जहाँ से अपन को पैसे और कमाए जा सके उन चीज़ों को पहले अपन को कंप्लीट करना चाहिए। अभी अपना गैस स्टेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर से एक डिलीवरी बॉय आ चुका है, आई थिंक क्या आया होगा भाई, पता नहीं सिगरेट चॉकलेट कुछ भी आ सकता है। तो अभी देखो इसके अंदर चॉकलेट्स हैं, और अब मैं जैसे यहाँ पर रखने जाऊँगा ना, तो यहाँ पर आइटम है ही नहीं ब्रो, तुम देख लो ना भाई, जैसे ही अभी बिक जाएगा अगला पार्सल आएगा तो ये खत्म हो जाएगा भाई, मतलब अपन को ना बहुत सारा माल एक साथ ऑर्डर करना पड़ेगा। पहले अपन ने फिर से टायर रिपेयर कर दिए, और तीन टायर रिपेयर करके आए, और दो पाइप पार्सल आ चुके, $158 अपन को मिले, तो अपना चार्जिंग स्टेशन आ चुका भाई, अब अपन और पैसा कमाएंगे, और एक एम्प्लॉय को और हायर कर लेना चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी वेट कर रही है, और अपने पास एम्प्लॉय की स्पीड काफ़ी कम है, एक ही एम्प्लॉय भाई, और तीन गैस पंप हो चुके हैं, दो चार्जिंग स्टेशन हो चुके हैं, तो यार काम काफ़ी बढ़ चुका है, और पेट्रोल अपने पास 24% है, तो पहले ही काम करता हूँ फ्यूल को मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, लेट्स गो $340 लगेंगे दे, और एक वर्कर रखता हूँ, तो यहाँ पर भी अपने पास तीन वर्कर ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा प्राइस मैंने इलेक्ट्रिक का इंक्रीज कर दिया, काफ़ी सस्ते अपन डिस्ट्रीब्यूट करें। और पार्सल फिर से आ चुका है, तो इस बार एनर्जी ड्रिंक आया हुआ है, और ये देखो यहाँ पर सामान काफ़ी जल्दी बिक रहा है यार, मेरे को काफ़ी सारा सामान गाड़ी ले लेनी चाहिए, एक बार में लाना पड़ेगा। और ये आ चुका अपना पेट्रोल वाला, गाड़ी भी आ चुकी है, बट अभी अपन को क्या करना है, वर्कर को हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको हायर करूँगा तो भाई पेमेंट करना पड़ेगा, फिर अपनी कमाई कम हो जाएगी, बात एक ही है, तो ए लो जी सबसे पहले इसका काम कंप्लीट करा जाए, लेट्स गो भाई। तेल आ चुका है और पार्सल के अंदर मिल्क आया है, ये भी अच्छी बात है, तो मिल्क अपन को फ्रिज में रखना चाहिए, लेट्स गो। ये भाई ये बंदा फिर से आ गया भाई, सेट से मूव क्यों करके आते हैं लोग,
मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अपना सर्विस काफी अच्छा है वैसे देखा जाए तो। हाँ वो अलग बात है, अपने पास वर्कर काफी कम है, ये देखो यहाँ पर कोई वर्कर है ही नहीं और कस्टमर भाई साहब वेट कर रहे हैं। इतना सा काम ये लोग खुद नहीं कर सकते, मतलब तू देख रहा ना, तो यहाँ पर दो होने चाहिए, दूसरा वाला एरा और ए इस गाड़ी के यहाँ पर सेट करा जाए। वर्कर आया है बट लेट आ रहा है और कस्टमर बहुत वेट कर रहा है भाई, मेरे को वर्कर हायर करना पड़ेगा क्योंकि ये देखो मतलब ये कब से खड़े हो भाई, ये फिट करने के लिए अपना वर्कर के पास टाइम नहीं है क्योंकि वहाँ पर तीन गैस पंप है और तीन अपने पास चार्जिंग पंप है। तो तुम देख रहे हो ना, मतलब यहाँ से मैंने अनुमान लगा लिया कि अपना यहाँ पर कस्टमर बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और एक सेकंड रुको, यहाँ से मेरे को 649 डॉलर मैंने कलेक्ट करे और इसको मैं सामान दे देता हूँ। 53 डॉलर में पैसे दो अंकल जी, और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अभी सोना पड़ेगा मेरे बंदे को। एक सेकंड रुको, यहाँ पर बंदा दो एनर्जी ड्रिंक ले रहा है और ये 4 डॉलर का हो चुका है। लेट्स गो, पेमेंट करो और निकलो यहाँ से। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये आइटम मैं लगा लूँगा, आप लोग कैशियर बनो। और अभी अपन जा रहे हैं सोने के लिए, बट लास्ट पार्सल है इसको मैं सेट कर देता हूँ और कल मैं काफ़ी सारा सामान सुबह तो ऑर्डर करूँगा। और सबसे पहले तो अपने फ्रिज को भरूँगा, सामान काफ़ी ज़्यादा कम है तो आई थिंक कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे गाइस रात हो चुकी है और अभी अपन चलते हैं अपने घर और कल अपन काफ़ी सारा काम करेंगे। बेसिकली सबसे पहले तो अपन एक वर्कर को हायर करेंगे और लोन का पेमेंट नहीं करने वाले, मैं सोच रहा हूँ एक लोन और दे लूँ भाई, अपने गैस स्टेशन को पूरा अपग्रेड कर दूँ। और अभी अपने पास 929 डॉलर बचे हुए, तो पेमेंट अपने पास है भाई, पैसे हैं अपने पास और फ्यूल भी अपने पड़ा हुआ है, तो यार पैसे तो अच्छे खासे आ रहे हैं और अपन कमा अच्छे रहे हैं और पेमेंट लोन की भी अपन कर रहे हैं ईएमआई पे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है और ईएमआई का पेमेंट कर चुका है, 811 डॉलर मेरे पास अभी बचा हुआ है और लगभग पता काफ़ी कम हो चुका है। बेसिकली मेरे पास टाइम नहीं है घर के पास, यहाँ पर देखो अभी मैं कुछ बात करने वाला हूँ, मेरे पास कुछ गिफ्ट भी नहीं है और ये मेंटल 33 हो चुका है। तो बेसिकली यार टाइम अपने पास नहीं है क्योंकि अभी अपन ने दो तो लोन ले रखे हैं और ऊपर से भाई गैस स्टेशन में काफ़ी सारा काम अपना पड़ा हुआ है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते अभी। तो आज जल्दी से मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक वर्कर को हायर कर लेता हूँ। तो भाई दो दिन के लिए इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है तो अभी सामान काफ़ी, ग्रोसरी का सारा सामान काफ़ी महंगा मिलने वाला है, तो भाई अपन क्या ही कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता अभी यहाँ पर ये आ चुके सैंडविच आ चुके हैं, तो अभी मेरे को सामान ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो अपने पास ग्रोसरी का सामान हमेशा कम ही रहता है, तो अपन को ऑर्डर नहीं करेंगे तो कस्टमर खाली जाएगा, तो ऑर्डर कर लेना चाहिए। सबसे पहले गैस पंप को ऑर्डर कर जाए 400 डॉलर के अंदर, लेट्स गो। और यहाँ पर जितना हो सके उतना ग्रोसरी का सामान ऑर्डर करा जाए, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, बढ़ने दो। आई थिंक इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, अपन को डिस्काउंट मिल रहा है भाई, पता नहीं क्या पंगा ये। तो मैंने यहाँ पर सारा ग्रोसरी का सामान ऑर्डर कर दिया अभी और बिल अपना ज़्यादा बन रहा है तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। एनीवे गाइस, तो 775 डॉलर का मैंने सामान को ऑर्डर कर दिया और अभी जिसमें से एक गैस पंप भी आने वाला है, तो बेसिकली अपने पास चार गैस पंप हो जाएंगे और अपने पास फ्यूल 47% अच्छी बात है और पैसे भाई 25। एनीवे तो सबसे पहले बिल अपन को पे नहीं करना और प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज इलेक्ट्रिक का कर देना चाहिए मेरे को लगता है, और बाकी तो रिपेयर का सही, ग्रोसरी का सामान में बिल्कुल भी इलोज इंक्रीज कर दिया प्राइस, तो मेरी प्राइस सबकी इंक्रीज कर दी, अच्छी बात है। और अभी ना मैं सोच रहा हूँ एक वर्कर को हायर कर लेना चाहिए, बट पहले भाई एक और आने दो जल्दी से गैस पंप, जैसे ही गैस पंप आएगा मैं वर्कर हायर कर लूँगा। तो ये देखो मेरे को दोनों का लोन पे करना, दोनों का ईएमआई डेली का कट रहा है मेरे को, और एक और लोन ले लूँ सोच तो ये रहूँ। ये देखो ग्रोसरी का सामान फिर से खाली हो चुका है, बेसिकली सामान है ही नहीं अपने पास। 512 डॉलर कलेक्ट करो यार, तो पैसे आ चुके हैं मेरे को, ग्रोसरी का सामान आ रहा है भाई रास्ते के अंदर और डिलीवरी बॉय आ चुका फाइनली। तो जल्दी से यार मेरे को गाड़ी ले लेनी चाहिए और एक पर्सनल शॉप पर जाके जितना हो उसके उतना ग्रोसरी का सामान लेना चाहिए। बेसिकली सामान देखो अभी एक गैस पंप आया है और वहाँ पर है ही नहीं, कस्टमर खाली जा रहे हैं ब्रो, तो इसको मैं सेट करता हूँ। वेल गाइस फाइनली अपन ने चार गैस पंप सेट कर दिए, तो भी वर्कर को हायर कर लेता हूँ एक और नया वर्कर, तो यहाँ पर एलेक्स नाम का बंदा है वो ही काम करेगा। तो ये देखो ये कार रिपेयरिंग है और ये रहा भाई पेमेंट, 102 डॉलर लेने वाला जबकि पिछले वाला 51 डॉलर ले रहा था भाई, मतलब पैसे बढ़ा दिए वर्कर ने, वर्कर को पता लग गया पेट्रोल पंप अच्छा चल रहा है इसका, क्या ही कर सकते हैं। एनीवे तो अपना आ चुका है एम्प्लॉय आ चुका, अच्छी बात है। और ये देखो सामान भी यहाँ पर आके किसने रख दिया, और भाई फ्रिज खाली और ये भी यहाँ पर, बस बचा क्या हुआ भाई, कस्टमर खाली जा रहे भाई, ये डिलीवरी बॉय क्या कर रहा है, तू इतना लेट क्यों रहा, हराम में मेरे से खाएगा, तो ऐड कर दिया जाए इसको, लेट्स गो। अभी ना गाइस अगला डिलीवरी बॉय आएगा, इससे पहले ये आइटम बिक जाएगा,
तुम देख रहे हो ना अपने यहाँ पर शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और आइटम भाई काफ़ी कम है, बट सफाई भी करनी ज़रूरी है यार, सारे काम मैं हैंडल नहीं कर सकता। और अभी मैंने वर्कर को हायर कर लिया तो आई थिंक मेरे को गैस पंप पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अपन को ग्रोसरी वाला काम संभाल लेना चाहिए और यहाँ पर मेरे को देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अभी भाई माल काफ़ी कम बचा हुआ और यहाँ पर डिलीवरी बॉय नहीं आ रहा यार, आ चुका काफ़ी आराम आराम से आ रहा है यार, इतने में आइटम बिक जाएगा वो। और कस्टमर के पास ऑप्शन ही वहाँ पर सिर्फ एक ही आइटम मिलता, तो इससे अपन को रेटिंग कम मिलता है। 3% फ्यूल भाई, फ्यूल ऑर्डर करो जल्दी से यार, फ्यूल है ही नहीं अपने पास भाई, 0% फ्यूल, फ्यूल खत्म हो चुका यार। तो आई थिंक कहाँ पर गए, ये रहा, फ्यूल पे चलते हैं, ऑर्डर कर लिया जाए $443 का, लेट्स गो भाई। मैं सोच रहा था वैसे एक चार्जिंग स्टेशन को परचेज कर लेना चाहिए, बट भाई पैसे चले गए एनीवे। तो एलोजी चिप्स आ चुकी है और अभी यार जल्दी डिलीवरी बॉय को बोलना पड़ेगा आइटम लेकर आओ। एलोजी अपना आ चुका है फ्यूल वाला ट्रक, तो ये बंदा आई थिंक इसको रोज़ एक चक्कर मार देना चाहिए। अभी तो अपना फ्यूल काफ़ी ज़्यादा लगेगा क्योंकि अपने पास 4 गैस पंप हो चुके हैं, लेट्स गो। तो मैंने फ्यूल कंप्लीट कर दिया और साथ साथ में आ चुका है सोडा, और वहाँ पर जाऊँगा इतने में आइटम बिक चुका है, देखो आई थिंक बचा हुआ आइटम तो बिकने वाला, बिक जाएगा एनीवे। तो लेट्स गो, सोडा मैंने यहाँ पर डाल दिया है और भाई काफ़ी भीड़ हो चुकी है यार अपने गैस पंप पर। अगर आप पहली वाली वीडियो अगर आपने देखी हुई तो शुरू में तो कुछ था भी नहीं, एंड अभी देखो अपना गैस पंप काफ़ी, गैस स्टेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। 90% भाई, 10% फ्यूल लग भी चुका है यार, इतनी जल्दी फ्यूल लग रहा है, मतलब तुम देख रहे हो कमाई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अभी अपन मोटे आधे बन चुके भाई, पैसे हो चुके हैं यार, लिटरली अपने गैस स्टेशन को काफ़ी अपन ने अपग्रेड कर लिया आज, पैक के मारेगा भाई इसकी आदत है। और चॉकलेट आई है, अच्छी बात है, तो कहाँ पर फ्रिज पर रखने चाहिए। और यहाँ पर भाई इस अभी थोड़ा सा फ्रिज भरा हुआ है, मेरे को पूरा फ्रिज भर के देखना एक बार, वो आई थिंक कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि पार्सल काफ़ी लेट आ रहे हैं। और ये सैड सा वो क्यों करते हैं भाई, रेटिंग कम दे रहे क्या, $774 मैंने कलेक्ट करे भाई, $1,140 हो चुके, पैसे बहुत हो चुके भाई। तो आया जल्दी से मैं और सामान ऑर्डर करता हूँ। तो मेरे को क्या ऑर्डर करना चाहिए, सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन $850 का ऑर्डर कर देना चाहिए, सुबह का में देरी कैसी हो रही, एक और कूलर ऐड कर देता हूँ $300 का। और लेट्स गो भाई, काफ़ी बड़ी शॉपिंग कर ली आज तो, और पैसे $29 बचे, तो पैसे अभी लग चुके हैं। एनीवे भाई अभी देखो ना, अभी पैसे और बढ़ने वाले हैं, एक और चार्जिंग स्टेशन आ चुका है, तो यार पैसे अभी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो फिर से एनर्जी ड्रिंक आ चुका है, तो यहाँ पर सेट कर दिया जाए, लेट्स गो। तो ए मैंने कर दिया काम कंप्लीट, और गाड़ियाँ भी बहुत खड़ी हुई है, ये देखो ये कौन सी गाड़ी, आई थिंक स्कोडा होगी। और अपन को कार सेलिंग वाला काम भी शुरू कर देना चाहिए, तो बेसिकली ये बंदा कार वॉश कर रहा है और यहाँ पर रिपेयर होने के लिए खड़ी है, मेरे को रिपेयर करनी है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर से आ चुका अपना पार्सल और एलोजी, तो यहाँ पर वही चीज़ आइटम बार बार आ रहा है, मैंने इसको काफ़ी बार ऑर्डर करा इसलिए आ रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये जैसे कार वॉश होगी मेरे को पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे वो मेरे को देखना है। तो मैंने प्राइस वैसे हाई कर रखा, $50 मिलना चाहिए, $128 है मेरे पास, देखता हूँ कितना पैसा मिलेगा। भाई वो छोजा कार हो गई, ओके साइड सा मूव क्यों करे, ओके $43 मिल रहे अपन को वास होने के, अच्छी बात है। और यहाँ पर देखो ये आई थिंक कचरा, यहाँ पर फ्यूल ये भर चुका है भाई, तो अच्छा तभी वहाँ पर कचरा अंदर हो चुका था और लोग साइड सा मूव कर रहे थे, मेरे को पता लगा प्रॉब्लम क्या थी, तो जल्दी से वहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी ताकि लोग अच्छा, लोगों का मन अच्छा हो ना। ए लो जी फिर से पार्सल, तो अपना चार्जिंग स्टेशन आ चुका, तो अपने पास 3 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी है, तो ये 4th चार्जिंग स्टेशन है, तो फाइनली लेट्स गो। अबे लगा नहीं क्या, तो अब लगने वाला, लेट्स गो। तो अपने पास 4 चार्जिंग स्टेशन हो चुके हैं। वेल गाइस, अपन ने भाई काफ़ी ज़्यादा गैस स्टेशन को आज अपग्रेड कर लिया, काफ़ी ज़्यादा अपन ने काम करा बेसिकली देखा जाए तो। तो अगर अपन एक लोन और ले तो भाई और भी इसको अपग्रेड कर सकते हैं। फाइनली मिल का आ चुका है, अभी सामान जल्दी आने लगा है, और यहाँ पर देखो लोगों को ना जो सामान चाहिए वो मिल नहीं रहा, इसलिए ये लोग सैड सा मूव कर रहे हैं। और बट अब मिलेगा क्योंकि आइटम आ रहा है, पीछे से माल लेट आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी एक और कूलर आ चुका, बट माल है ही नहीं, कूलर का क्या करूँगा, कोई ना इसको भी काम करेंगे। तो गाइस अभी अपन ने ना देखो भाई शुरू से लेकर अब तक गैस स्टेशन को काफ़ी बड़ा कर दिया, इंक्रीज कर दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। तो आज के लिए इतना, वीडियो से लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।